हरियाणा के अंबाला में एक आड़ती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आड़ती ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार डीएम को ठहराया है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक अंबाला शहर की अनाज मंडी में आड़ती मदनलाल ने अपनी दुकान के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। पुलिस को मिले इस सुसाइड नोट में आरती ने लिखा है कि उसकी राइस मिल है, लेकिन डीएम उन्हें धान लेने की अनुमति नहीं दे रहा, जिससे तंग आकर वो आत्महत्या कर रहा है। इसके अलावा सुसाइड नोट में आरती ने यह बात भी लिखी है कि उसके ऊपर लोन है, वह उसे कैसे भरेगा। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों ने डीएम पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मृतक से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें हैफेड के डीएम को उसने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। आपको बता दें कि आरती की पहचान सेक्टर 8 के रहने वाले मदनलाल 55 वर्षीय के रूप में हुई है। मूल रूप से वह इस्लामाबाद कस्बे का रहने वाला था और पिछले 10 वर्षों से यहाँ आड़त का और करीब 3 वर्षों से दुर्गा नगर में मिलिंग का काम करता था। वहीं मंडी में चल रही चर्चाओं के अनुसार एक सुसाइड नोट में मदनलाल ने अपनी मौत का जिम्मेदार खरीद एजेंसी के अधिकारी को बताया है, जबकि दूसरे में उसने कुछ आड़तियों व शैलर मालिकों के नाम लिखे हैं, जो पूरी मंडी व्यवस्था को अपने कब्जे में लेकर मनमाफिक कार्य अधिकारियों से करवाते हैं। आरती मदनलाल अपने बिजनेस में आ रही परेशानियों के चलते मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा था। जी, राइस मिल है इनका, शुभम राइस मिल के नाम से 3-4 साल से काम करते हैं ये। इस साल डीएम वगैरह कोई नया आया उसमें हैफड में, वो इनको परेशान कर रहा था, मतलब रिश्वत मांग रहा था 10 लाख रुपये, अगर आप पैसे देते हो तो आपको मैं परमिशन देता हूँ काम करने की। ये कह रहे हैं हम तो 3-4 साल से काम कर ही रहे हैं, काम सारा अच्छी तरह से कर रहे हैं, गवर्नमेंट का चावल भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो किस चीज़ की। कह रहे जी मैं नहीं ऐसे परमिशन देता, मतलब 3-4 दिन से 5 दिन से दूसरे राइस मिल में तो धान वगैरह जाने लग गया था, इनके राइस मिल में जा नहीं रहा था इसी परमिशन के चक्कर में। ये कह रहे हैं तो मतलब मार्केट में भी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, कितना हमने काम कर रखा है, शैलर लगा रखा है, कैसे गुजारा करेंगे। बस उससे इन्होंने प्रेशराइज होके मानसिक तनाव में आके साइड कर ली। को सूचना मिली थी 5 नंबर चौकी में कि अनाज मंडी अंबाला शहर में एक मदन लाल नाम के व्यक्ति ने अपनी दुकान में सुसाइड कर लिया, तो जिस पर हमारे आईयू हैं चौकी इंचार्ज हैं वो वहाँ गए, वहाँ पर उनके लड़के शुभम ने एक दरख्वास्त दी है और उसके साथ एक सुसाइड नोट दिया है, जिसमें उन्होंने विकास जो डीएम है फिट्स उन पर आरोप लगाया है कि उनकी वजह से उसके पिता ने सुसाइड किया। ये आगे तफ्तीश का विषय है, उसमें अभी सिर्फ इतना ही आरोप। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.